Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM and here I am back with another video. So आज का जो session होने वाला है which will be on export marketing and काफी ज्यादा comments मुझे मिल रहे थे. ये जो series मैंने start किया है, आपके काफी ज्यादा कमेंट्स मैंने सभी लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े हैं एंड सभी लोगों ने कहा कि ये सेशन को कंटिन्यू करें. ऐसे ही आपको रिविजनरी वीडियोस चाहिए तो मैंने एक्सपर्ट्स को चैनल पे बुलाया और एक्सपर्ट्स ने काफी अच्छी तरीके से आप सभी को गाइड किया और काफी ज्यादा आपको उसका बेनिफिट भी जो है वो पेपर में मिला है. तो इसी तरीके से ये सेशंस को कंटिन्यू करते हैं. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं विल बी अबाउट दी सब्जेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड दिस इज एन अप्लाइड कंपोनेंट. तो ये बच्चे, सारे बच्चे एक्सपोर्ट मार्केटिंग नहीं देते हैं. कुछ बच्चों को एक्सपोर्ट मार्केटिंग होता है, कुछ बच्चे फिर टैक्सेशन, कंप्यूटर्स एंड अलग अलग सब्जेक्ट्स ऑप्ट करते हैं. तो अगर एक्सपोर्ट मार्केटिंग का सब्जेक्ट आपने TYBCOM सेमेस्टर 6 में लिया है तो दिस वीडियो विल बी फॉर यू एंड वी हैव एन एक्सपर्ट विद अस टुडे. तो हमारे पास आज जो एक्सपर्ट मैंने चैनल पे उनको इनवाइट किया है टू गाइड ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर द पेपर ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग, उनको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में. उन्होंने काफी ज्यादा टाइम दिया है और काफी ज्यादा उनको एक्सपीरियंस है एक्सपोर्ट मार्केटिंग पढ़ाने का. तो वो आपको गाइड करेंगे एग्जैक्टली कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग में ऐसे कौन से मॉड्यूल्स है जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, ऐसे कौन से पॉइंट्स है जिन पे अगर आप ध्यान दोगे तो उसमें आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस है. बहुत सारी चीजें वो आपके साथ डिस्कस करेंगे, आपको रिवाइज करवाएंगे हर एक चैप्टर से रिलेटेड जो क्रक्स होता है चैप्टर का वो आपको रिवाइज करवाएंगे एंड उसके बेसिस पे आप अपने नोट्स प्रिपेयर करना ना भूले. तो मैं हमेशा कहता हूं कि बुक अपने साथ रखे, नोट्स बनाइए, जो जो चीजें मैम आपको कहेंगी वो सारी चीजें आप नोट डाउन करके रखें. बिकॉज ये सारी चीजें जब आप नोट डाउन करोगे, जब आप कल एग्जाम में जाओगे उसके पहले ये सारी चीजें एक बार पढ़ के जाओगे तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट. सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम आई वुड लाइक टू इनवाइट टूडेज गेस्ट स्पीकर, टूडेज स्पीकर फॉर एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड मैम इज गोइंग टू गाइड यू. मैम का नाम है भाविनी दोषी मैम. तो भाविनी दोषी मैम जो है वो काफी सालों से एक्सपोर्ट मार्केटिंग पढ़ा रहे और उनको काफी अच्छा एक्सपीरियंस एक्सपोर्ट मार्केटिंग पढ़ाने का है. तो मैम विल बी गाइडिंग यू ऑल रिलेटेड विद द सब्जेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग. आप जो भी अपने डाउट्स होंगे आप अपने चैट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और बेसिकली मैम इतने अच्छी तरीके से आपको सारी चीजें गाइड करेंगी तो वैसे तो आपको कुछ डाउट्स नहीं आएंगे. तो जिनको भी एक्सपोर्ट मार्केटिंग में डर लग रहा है ये सेशन को ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए. जितने ज्यादा आप नोट्स बनाएंगे उतने आपकी लास्ट मोमेंट में सारी चीजें जो है वो रिवाइज हो पाएगी. तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम सीधा चलते हैं मैम के पास और मैम से गाइडेंस लेते हैं अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग एंड क्या क्या चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है, रिविजन करना है, वो मैम से ही सुनते हैं. तो चलते हैं सीधा मैम के पास. हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग. दिस इज प्रोफेसर भाविनी दोषी. आज हम लोग एक्सपोर्ट मार्केटिंग का लास्ट मिनट रिवीजन लेंगे. जो मैं आपको सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे. ये 100 मार्क्स का पेपर रहेगा आपका 3 आवर्स के लिए और इसमें क्वेश्चन 1A मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो आपको फिल इन द ब्लैंक टाइप ऑप्शंस दिए रहेंगे उसमें से आपको करने हैं. टोटल 12 दिए रहेंगे जिसमें से आपको 10 सॉल्व करने हैं. उसके बाद जो 10 मार्क के लिए रहेगा ट्रू और फॉल्स भी सेम 12 दिए रहेंगे जिसमें से आपको 10 सॉल्व करने हैं, वो भी 10 मार्क के लिए रहेंगे. और आपको जो सिलेबस में मॉड्यूल है वो टोटल 4 मॉड्यूल है, 1, 2, 3, 4. सो ऑल जो 3 आएंगे ये जो क्वेश्चन 1A आएगा ये चारों मॉड्यूल में से 3-3 रहेंगे. मतलब एक मॉड्यूल में से 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ऐसे 12 रहेंगे टोटल. सेम वैसे ही ट्रू और फॉल्स में हर एक मॉड्यूल में से 3-3 पूछे जाएंगे. सो टोटल आपको 12 रहेंगे जिसमें से आपको 10 सॉल्व करने हैं. आई सजेस्ट आप टोटल 12 ही अटेम्प्ट करने चाहिए आपने. उसके बाद क्वेश्चन 2 जो आएगा वो मॉड्यूल 1 से, वो भी क्वेश्चन 1A, B, C. तो आपको जो मनन, आई सजेस्ट यू प्रेफर मनन प्रकाशन की बुक जो है वो बहुत अच्छे से उसमें डिटेल अच्छे से बढ़िया दिया हुआ है. तो उसमें अदर बुक्स ऑल्सो यू कैन रेफर, कोई इशू नहीं है. सो क्वेश्चन 1 जो मॉड्यूल 1 है उसमें भी आपको 3 सब चैप्टर्स है, फिर मॉड्यूल 2 में भी 3 है, मॉड्यूल 3 में भी 3 है और मॉड्यूल 4 में भी 3 है. तो आपके लिए बहुत ईजी है ये कि 3-3 ABC आपको इसमें टॉपिक्स है और सेम एक एक टॉपिक में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है. जो क्वेश्चन 2 में
आपको टोटल तीन है ए बी सी एंड यू हैव टू आंसर एनी टू आउट ऑफ दिस थ्री, ठीक है, जो 15 मार्क के लिए है, मतलब एक 7.5 मार्क का आएगा. सेम क्वेश्चन थ्री में है, आउट ऑफ थ्री टॉपिक्स आपको ए बी सी तीन क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको कोई भी दो सॉल्व करने हैं. क्वेश्चन फोर में भी आपको सेम है, थर्ड मॉड्यूल में से रहेगा क्वेश्चन फोर, जो आपको ए बी सी और एनी टू यू हैव टू सॉल्व, दैट इज ऑल्सो फॉर 15 मार्क्स, दैट मीन्स 1 for 7, 7.5 मार्क्स. एंड क्वेश्चन फाइव रहेगा वो लास्ट मॉड्यूल, फोर्थ मॉड्यूल में से रहेगा, सेम तीन टॉपिक्स है, तीनों में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको कोई भी दो सॉल्व करने हैं, दैट इज ऑल्सो फॉर 15 मार्क्स और 7.5 मार्क का एक रहेगा. और क्वेश्चन सिक्स जो है वो शॉर्ट नोट्स रहेंगे, जो आपको टोटल 6 शॉर्ट नोट्स पूछी जाएगी चारों में से. तो वो चारों में से कैसा बाइफरकेशन, इट इज नॉट लाइक दैट कि हो सकता है फर्स्ट मॉड्यूल में से दो आई, सेकेंड में से एक, थर्ड में से एक और फोर्थ में से दो आई, या फर्स्ट सेकेंड में से दो दो आई और थर्ड में से एक और फोर्थ में से एक. सो इट इज नॉट फिक्स्ड, बट चारों मॉड्यूल में से टोटल 6 आपको जो है शॉर्ट नोट्स पूछी जाएगी जिसमें से आपको कोई भी चार सॉल्व करनी है. सो पेपर पैटर्न ईएम का बहुत ही ईजी है, एक्चुअली एक्सपोर्ट मार्केटिंग ही बहुत ईजी सब्जेक्ट है और छोटा सा बुक है, इसलिए कोई इशू नहीं है. आई डिस्कस थोड़े से जनरल टर्म्स में मैं डिस्कस करूंगी कि आपका पेपर प्रेजेंटेशन और कैसा. तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जैसे ट्रू और फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स, ये आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू राइट इन प्रॉपर सिक्वेंस. आप कॉपी नहीं करेंगे, स्टेटमेंट्स को कॉपी ना करते हुए सिर्फ आंसर लिखेंगे तो भी चलेगा, जिससे आपका भी टाइम सेव होगा और स्टेशनरी भी सेव होगी और प्रोफेसर्स को भी ईजी हो जाता है एक्सेस करना. बट आप सीक्वेंस में लिखिए, बिल्कुल भी एक आगे पीछे ना कीजिए, और मेरे हिसाब से पूरे 12 सॉल्व कीजिए, ताकि जो भी अगर आपके एक दो मिस्टेक भी जाती है, रॉन्ग जाता है, तो यू विल गेट योर 10 मार्क्स फुल. उसके बाद जो 7.5 मार्क का क्वेश्चन है, 7 या 8 मार्क का क्वेश्चन, उसमें आप मीनिंग लिखिए उसका, जो भी कंसेप्ट है, जो भी मीनिंग टॉपिक आया उसका मीनिंग दीजिए आप, और 7 से 8 पॉइंट का आप उसका एक्सप्लेनेशन दीजिए. सो इट इज इनफ. ना एक्सप्लेनेशन भी जो है वो भी 5 से 7 लाइन का होना चाहिए, ये आपका एक्सप्लेनेशन होना चाहिए. प्रेफरेबली एक एक लाइन आप छोड़िए, जब आप एक एक पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देंगे तब आप एक एक लाइन छोड़िए, ताकि वो एग्जामिनर को भी कन्वीनियंस हो जाता है चेक करने के लिए और आपका भी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा दिखेगा. जो हेडिंग है पॉइंट की उसको आप अंडरलाइन कीजिए, और जनरली हम लोग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ही यूज करते हैं, TY BCom में ऐसा हम प्रेफर करते हैं, बट यू कैन यूज एनी. नाउ और क्वेश्चन नंबर आप अच्छे से लिखे, क्वेश्चन वन ए या बी लिख रहे हैं, क्वेश्चन ए बी वो आप जो क्वेश्चन का टॉपिक रहता है वो आप पहले ऊपर दीजिए आंसर के पहले, ताकि वो चेक करने वाले को इजी हो जाए कि आपने इसी के बारे में पूरा लिखा हुआ है. और हैंडराइटिंग थोड़ा सा अच्छा आप ट्राई कीजिए, ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा दिखे. अगर हैंडराइटिंग अच्छी नहीं रहेगी तो समटाइम्स यू विल गेट 0 ऑल्सो. अट्रैक्टिव एक गुड क्वालिटी की पेन आप यूज करके ईएम का पेपर लिख सकते हैं. और मनन में जो है ना वो इसी तरह से दिया हुआ है, हेडलाइन जो पॉइंट्स है उसको बराबर से ब्लैक डार्क उसमें दे के दिया हुआ है, सो यू कैन यूज दैट थिंग. ठीक है, नाउ सिलेबस में आपको मॉड्यूल 1, 2, 3, 4 चार मॉड्यूल है. मैं फटाफट बोलूंगी इसका. फर्स्ट मॉड्यूल आपको प्रोडक्ट प्लानिंग के बारे में है, जिसमें और साथ में प्रोडक्ट डिसीजंस फॉर एक्सपोर्ट मार्केटिंग, इसके बारे में है आपका पहला मॉड्यूल, जिसमें फर्स्ट जो ए है मॉड्यूल 1 का फर्स्ट चैप्टर वो है प्लानिंग पे. टोटली इट इज विद एक्सपोर्ट मार्केटिंग के प्लानिंग और रिगार्डिंग प्रोडक्ट ब्रांडिंग पैकेजिंग. तो जनरली जो है 99% जो अभी तक हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट मार्केटिंग में फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो जनरली प्रोडक्ट प्लानिंग के डिसीजन पे ही आता है. सो प्रोडक्ट प्लानिंग डिसीजन या यू नो उसका मीनिंग इस तरह से. उसके बाद जो सेकेंड मॉड्यूल है, आई मीन फर्स्ट मॉड्यूल का सेकेंड चैप्टर, ये है आपका लेबलिंग पे, नीड फॉर लेबलिंग जो और साथ में फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एक्सपोर्ट प्राइस ऑब्जेक्टिव्स और एक्सपोर्ट प्राइसिंग, इसके ऊपर है आपका सेकेंड जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड, आई मीन फर्स्ट मॉड्यूल का सेकेंड चैप्टर. सो यहाँ पे उसमें भी आप ये देख सकते हैं कि एक्सपोर्ट प्राइसिंग कैसे होते हैं, है ना, कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं एक्सपोर्ट प्राइसिंग, तो ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. थर्ड जो है क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, थर्ड चैप्टर, ये आपको अलग अलग टर्म्स है इसमें. सो एक्सपोर्ट प्राइसिंग कोटेशंस पे है ये, फ्री ऑन बोर्ड
कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट, कॉस्ट एंड इंश्योरेंस. तो इसके ऊपर आपको सबसे मेन वही बताने जा रही हूँ मैं कि क्वेश्चन 1C जो आएगा वो आपको सम आएगा, 7.5 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसमें आपको कैलकुलेशन करना है. एंड इफ यू आर गुड इन दिस तो मेरे हिसाब से आप यही सॉल्व करना है, इसमें आप पूरे मार्क्स निकाल सकते हो 7.5 मार्क्स. बट आपका फॉर्मूला एकदम सही होना चाहिए और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई कैन सॉल्व इट. और जो मनन प्रकाशन में आपको दिए हुए सम्स उसके, अगर आप वो उतने सम्स आपने गो थ्रू कर लिए तो उसी में से आगे पीछे पूछे जाते हैं जनरली, थोड़े से सिर्फ अमाउंट वगैरह चेंज करके, बाकी कंसेप्ट वही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं. तो ये आपके बोनस मार्क्स है 7.5 मार्क्स, क्वेश्चन 1C आई एम टॉकिंग अबाउट. सो आपका उसमें पूरा स्कोर हो सकते हैं मार्क्स, अगर आपका राइट है तो अच्छे से स्कोर हो सकता है. नाउ विल टॉक अबाउट मॉड्यूल 2 जो है एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन के बारे में. इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग चैनल्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग चैनल्स. तो जनरली डिस्टिंग्विश वगैरह भी पूछते हैं तो यू कैन गो फॉर दैट, मतलब अच्छे से कर ले सकते हो. और इनडायरेक्ट चैनल्स, टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट चैनल्स है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. उसके बाद आपका मॉड्यूल 2 का सेकेंड चैप्टर, दैट इज ऑन कॉम्पोनेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड एक्सपोर्ट मार्केटिंग, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नीड फॉर इंश्योरेंस इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग. तो इसके ऊपर पूछा जाता है. जनरली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ तक मैंने कुछ सालों के हम जो पेपर्स रेफर करते हैं तो उससे आइडिया आता है. नेक्स्ट इज सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, जो सेकेंड मॉड्यूल का थर्ड चैप्टर की मैं बात कर रही हूँ. दैट इज सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स विच इज यूज इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग, प्लस उसका इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, एसेंशियल्स ऑफ एडवर्टीजमेंट एडवर्टाइजिंग इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग. तो इसमें भी जहाँ तक मुझे लगता है कि सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स पे अगर हम ध्यान दें तो वो जनरली इस तरह के क्वेश्चन उसके ऊपर पूछे जाते हैं. ट्रेड एंड ट्रेड फेयर एंड एग्जीबिशन पे भी रहते हैं क्वेश्चन, बट ज्यादा जो भार है वो सेल्स प्रमोशन टेक्निक पे है. नाउ थर्ड मॉड्यूल दैट इज फॉर एक्सपोर्ट फाइनेंस, इसका फर्स्ट चैप्टर है मेथड्स ऑफ पेमेंट इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग, जिसमें प्रोसीजर टू ओपन लेटर ऑफ क्रेडिट, टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स टू काउंटर ट्रेड, तो इस तरह का इसमें क्वेश्चन होते हैं. तो इसमें भी मैं देखती हूँ कि मेथड्स ऑफ पेमेंट जो है इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लेटर ऑफ क्रेडिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जनरली शॉर्ट नोट्स में आता है लेटर ऑफ क्रेडिट, तो आप उसके ऊपर थोड़ा ध्यान दो. मॉड्यूल थर्ड का सेकेंड चैप्टर विच इज ऑन फीचर्स ऑफ प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस पे है. प्रोसीजर्स क्या है एक्सपोर्ट फाइनेंस लेने की, और प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट में डिस्टिंग्विश क्या है, तो ये सारा पूछा जाता है. जनरली डिस्टिंग्विश पे ही हम ध्यान दे सकते हैं प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट के. इससे क्या हो जाएगा कि अगर आप डिस्टिंग्विश अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो उससे आपका प्री शिपमेंट और पोस्ट शिपमेंट का एक आंसर भी रेडी हो जाता है कि आप डिस्टिंग्विश के लिए तो आपने दोनों लर्न किए ही है, पढ़ाई है. तो जब आपको सिर्फ प्री शिपमेंट पे शॉर्ट नोट आई तो आप प्री शिपमेंट वाला पार्ट लिख दो, जब पोस्ट शिपमेंट पे आई तो पोस्ट शिपमेंट वाला पार्ट लिख दो. मतलब एक क्वेश्चन लर्न करेंगे आप, पढ़ेंगे तो उसमें दो क्वेश्चन आपके रेडी हो सकते हैं. उसके बाद थर्ड जो है चैप्टर उसका क्वेश्चन, थर्ड मॉड्यूल का थर्ड चैप्टर विच इज ऑन रोल ऑफ कमर्शियल बैंक, एक्सिम बैंक, सिडबी और सिडबी इन फाइनेंसिंग एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्टर्स, रोल ऑफ ECGC. तो यहाँ पे जो है शिपिंग बिल पे हम थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, और ECGC भी उतना ही इम्पोर्टेंट है. इम्पोर्टेंट तो पूरा ही है, सारा ही चैप्टर पढ़ना है, बट ये दो तीन चीज़ें जो जनरली रिपीट हो सकती है, क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके ऊपर. नेक्स्ट इज मॉड्यूल 4 विच इज ऑन एक्सपोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन. इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, जनरली शॉर्ट नोट्स भी इसी में से मेरे हिसाब से ज़्यादा होती है फोर्थ मॉड्यूल से. सो रजिस्ट्रेशन, इसका फर्स्ट जो चैप्टर है दैट इज गिवन ऑन रजिस्ट्रेशन विद डिफरेंट अथॉरिटीज. सो प्री शिपमेंट प्रोसीजर क्या है एक्सपोर्ट की, और क्वालिटी कंट्रोल का प्रोसीजर क्या है, प्री शिपमेंट का इंस्पेक्शन कैसे होता है, तो इन सब चीज़ों पे दिया हुआ है ये फर्स्ट चैप्टर. उसके बाद सेकेंड चैप्टर जो है वो शिपिंग एंड कस्टम स्टेज फॉर्मेलिटीज पे है. तो उसमें ये है कि रोल ऑफ क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट का क्या रोल होता है, प्री शिपमेंट प्रोसीजर क्या है, रियलाइजेशन कैसे होता है एक्सपोर्ट प्रोसीड्स, कितने दिनों में होनी चाहिए रियलाइजेशन एंड ऑल दैट, और एक्सपोर्ट अंडर बॉन्ड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग दैट इज LUT, इसका क्या प्रोसीजर है वो पूरा उसमें दिया हुआ है. तो जनरली इसमें जो होता है हम लोग देखते हैं कि कस्टम क्लियरेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज मॉड्यूल 4 का लास्ट थर्ड चैप्टर
दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट, इसके ऊपर है बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, कॉन्सुलर इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन. तो ये जनरली इनके ऊपर क्वेश्चंस होते हैं. 99% शिपिंग बिल वगैरह पे ज्यादा ध्यान, और जो बाकी सब मैंने बोला वो शॉर्ट नोट्स में रहता है, इसलिए मैंने बोला कि फोर्थ मॉड्यूल का थर्ड चैप्टर वो हम अगर अच्छे से करें तो उसमें से शॉर्ट नोट्स पक्का आनी है. दो शॉर्ट नोट्स, एक या दो तो पक्का रहेगी उसमें से. जैसे शॉर्ट नोट्स के लिए भी आप पैकिंग है या रोल ऑफ सी एंड एफ एजेंट है, इस तरह के जो जिसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनता है पूरा आप 7.5 मार्क का, बट शॉर्ट नोट बनती है फॉर 5 मार्क्स, तो वो आप लिख सकते हैं. तो इस तरह का जो है, मैंने अभी आपको पेपर पैटर्न और सिलेबस थोड़ा सा फटाफट डिस्कस किया. सबसे इम्पोर्टेंट जो है ईएम में फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इज एब्रीविएशंस, जो बुक के पीछे दिए हुए हैं. अगर आप ईएम में अच्छे से एब्रीविएशंस लर्न करते हैं सारे, तो आपको पेपर ईजी हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको शॉर्ट फॉर्म्स ही आएंगे. सो उस टाइम आपको कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म क्या है, मतलब उसी में आप टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा. सो जैसे मैथ सॉल्व करने के लिए आपको टेबल्स अच्छे से आने चाहिए, वैसे आपको ईएम सॉल्व करने के लिए, ईएम का पेपर सॉल्व करने के लिए आपको एब्रीविएशंस बहुत अच्छे से आपके लर्न चाहिए, और आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या है. सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग. नाउ फर्स्ट जो मॉड्यूल है उसमें जो इनको टर्म्स, एफ ओ बी, सी एंड एफ, सी आई एफ, इस पर बहुत सारे सम्स आपको इसमें दिए, इसका मैं फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस करती हूँ, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने फॉर्मूला ठीक से लर्न कर लिए हैं तो. क्योंकि थर्ड जो है चैप्टर, उसमें से फर्स्ट मॉड्यूल का थर्ड चैप्टर जिसमें आपको सम्स ही सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं. स्टूडेंट्स, हियर आई एम डिस्कसिंग जो सम्स है उसके बारे में मैं डिस्कस करती हूँ. फॉर्मूला जो है एफ ओ बी प्राइस का, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपेंसेस अप टू बोर्ड द शिप प्लस प्रॉफिट माइनस एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स. तो ये जो है ये इसका एकदम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है. अगर ये अच्छे से लर्न हुआ तो आपके सम सॉल्व हो जाएंगे सारे. सो सी एंड एफ प्राइस, वो तो आपको ध्यान नहीं है कि एफ ओ बी प्राइस प्लस फ्रेट, दैट इज सी एंड एफ प्राइस. और सी आई एफ में क्या क्या आएगा, एफ ओ बी प्राइस प्लस फ्रेट प्लस मरीन इंश्योरेंस. तो इसलिए वो सी आई एफ है. सी इज फॉर एफ ओ बी प्राइस, आई फॉर इंश्योरेंस एंड एफ फॉर फ्रेट, वैसा है. सो सी एंड एफ प्राइस इज इक्वल टू एफ ओ बी प्राइस प्लस फ्रेट, और सी आई एफ प्राइस इज इक्वल टू एफ ओ बी प्राइस प्लस फ्रेट प्लस मरीन इंश्योरेंस. और जो उसका पूरा फॉर्मूला है वो एफ ओ बी प्राइस, और एफ ओ बी प्राइस क्या है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्लस जितने भी एक्सपेंसेस लगे टू बोर्ड द शिप, वो सारे एक्सपेंसेस प्लस उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट रहेगा वो, और माइनस जो भी एक्सपोर्ट के इंसेंटिव्स मिलेंगे, जो हमको कुछ इंसेंटिव्स देती है गवर्नमेंट, किसी पे डिस्काउंट रहता है और ड्यूटी ड्रॉबैक होता है डीबी के, वो उसमें माइनस हो जाएगा. ठीक है, तो आई विल डिस्कस वन सम विथ यू. जो सपोज मिनिमम एफ ओ बी प्राइस कितनी क्वॉट होनी चाहिए फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, दैट नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे वो होगा. सो वॉट विल बी द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्राइस इफ 31,000 एफ ओ बी इज क्वॉटेड, और सपोज एक्सपेक्टेड कॉस्ट इज 32,000, एक्सपेंसेस अप टू बोर्ड द शिप इज 6,000, और डी बी के दैट इज ड्यूटी ड्रॉबैक इज 5% ऑफ एफ ओ बी प्राइस. सो यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा ये, कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट हमारा 32,000 है, इसमें एक्सपेंसेस जुड़ जाएगा जो है 6,000 रुपए, तो टोटल एफ ओ बी कॉस्ट हो गया 38,000. नॉन प्रॉफिट अमाउंट जो है वो यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस था, इसलिए जितना कॉस्ट रहेगा उसी को रेवेन्यू माना जाएगा, उसी को इक्वल टू रेवेन्यू माना जाएगा. सो फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा कि एफ ओ बी प्राइस प्लस डी बी के इज इक्वल टू एफ ओ बी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. सो यहाँ पे हमको क्योंकि एफ ओ बी प्राइस पता ही नहीं है, सो वो हम एक्स एज्यूम करेंगे हम. सो और उसके ऊपर डीबी के जो है वो 5% उसी का एफ ओ बी प्राइस का. सो एक्स प्लस 5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमने एफ ओ बी कॉस्ट निकाला था अभी 38,000. सो दैट 38,000 ऑफ प्रॉफिट तो कुछ है ही नहीं, सो इट विल बी जीरो. सो अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 38,000. यहाँ पे हम एक्स को 1 पकड़ेंगे, सो 5% ऑफ एक्स हो जाएगा 0.5. ठीक है, तो 1.05 एक्स इज इक्वल टू 38,000. सो एक्स विल बी 38,000 डिवाइड बाई 1.05, दैट इज इक्वल टू 36,190. इसका आंसर आएगा कि मिनिमम एफ ओ पी प्राइस कितना कॉट होना चाहिए, 36,190 फॉर नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस. तो वही आगे जो उन्होंने बताया है कि 31,000 अगर कॉट किया तो कितना लॉस है,
तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर 31,000 उन्होंने रिकॉर्ड किया तो सेम फॉर्मूला अगेन एफओबी प्राइस प्लस डीबीके इज इक्वल टू एफओबी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट. तो क्योंकि हमको यहाँ पे एफओबी प्राइस पता है कि 31,000 रिकॉर्ड करना है, सो 31,000 प्लस 5% ऑफ 31,000 इज इक्वल टू 38,000 प्लस एक्स. ठीक है, तो यहाँ पे 31,000 प्लस 31,000 का 5% कितना होता है 1,550 रुपीज और इज इक्वल टू 38,000 प्लस एक्स. सो 31,000 प्लस 1,550 इज इक्वल टू 32,550 माइनस 38,000, सो एक्स विल बी माइनस 5,450. दैट मीन्स अगर 31,000 हम कॉट करते हैं तो 5,450 रुपये का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जो उसका नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट का कितने अमाउंट पे आ रहा है 36,190 रुपीज़ पे. सो सिंपल सम्स है, सेम वैसे ही आगे हैं, सिर्फ अमाउंट्स चेंज होंगे. थोड़ा सा कहीं पे एफओबी प्राइस दिया है तो आपको कॉस्ट नहीं दिया होगा तो वो निकालना होगा. तो इस तरह से सिर्फ थोड़ा आगे पीछे दिया हुआ है, सम्स उसमें दिए हैं मैंने प्रकाशन में, आप अच्छे से उसको देख सकते हैं. एंड साथ में जो शॉर्ट नोट्स है मैंने अभी जो बताया आपको कि फोर्थ मॉड्यूल के थर्ड चैप्टर को लास्ट चैप्टर को अच्छे से करेंगे अगर हम, जितने भी यहाँ पे एयरवे बिल है, शिपिंग बिल, बिल ऑफ एक्सपोर्ट, कॉन्ज्यूलर इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग, एयरवे बिल, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, कमर्शियल इनवॉइस कम पैकिंग लिस्ट, तो इस तरह की चीजें शॉर्ट नोट्स में पूछी जाती है क्योंकि इसका पूरा 7.5 मार्क का आंसर नहीं बन रहा है. तो जो चीज का 7.5 मार्क का आंसर या 8 मार्क का आंसर नहीं बन सकता उसको शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है. बाकी तो मैंने अभी आपको बता दिया. फुल फॉर्म जो है, एब्रीविएशंस आप अच्छे से लर्न कीजिए, और जो फिल इन द ब्लैंक है जनरली वो भी अगर आप अच्छे से गो थ्रू करते हैं, हर एक चैप्टर के पीछे देखिए दी हुई आपको 20-25-30-40 जितनी फिल इन द ब्लैंक आपको दी हुई है हर एक मॉड्यूल के हर एक चैप्टर के पीछे, और ट्रू और फॉल्स भी दिया हुआ. आप अगर वो अच्छे से सॉल्व करते हैं, अच्छे से देखते हैं, पूरा वो गो थ्रू करते हैं तो आपको इजीली हो जाएगा, कोई इशू नहीं है. प्राइसिंग में एक मैं बोलूंगी जो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग एक्सपोर्ट प्राइस, ये वाला क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिए, एक बार गो थ्रू कीजिए, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है. और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ब्रांडिंग, मतलब ये जनरली ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं या जो बार बार पूछे जाते हैं. ECGC है, ये भी देखते हैं हम लोग की रिपीट होता है. ठीक है, और डिस्टिंग्विश जितने भी दिए हैं प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट का, या और जो भी 2-3 डिस्टिंग्विश बुक में दिए हुए हैं वो भी आप अगर अच्छे से कर लेते, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक क्वेश्चन में दो आंसर रेडी हो जाते हैं. जब आपको किसी वो एक टॉपिक के बारे में पूछा जाए तो आप उसके ऊपर पूरा शॉर्ट नोट्स या उसका आंसर आप बना के लिख सकते हैं. थोड़ा सा यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स आल्सो, ऐसा कोई इशू नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स अच्छे से आपके कवर हो जाने चाहिए. सो आई थिंक दिस इज द इनफ एक्सपोर्ट मार्केटिंग के लिए, इतना बस है. आप अच्छे से कीजिए. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड जस्ट डू इट गुड इन योर एग्जाम. थैंक यू. आई होप कि मैम ने जितनी सारी चीजें आपको बताई है सारी चीजें आपने लिख के रखी होगी, सारी चीजें आपने अपने बुक्स में नोट डाउन करके रखी होगी, और मैम ने सारी जो चीजें बताई है उसको ध्यान से याद रखे और एग्जाम में जाने से पहले सारी चीजों को रिवाइज करके जाए, बिकॉज मैम ने काफी अच्छी तरीके से आपको सभी चीजें बताई है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक भाविनी मैम for spending the valuable time and guiding all the TYBCOM students for the subject of export marketing. काफी ज्यादा comments मिल रहे थे about export marketing, और मैम को जैसे मैंने कहा तो मैम ने agree कर लिया to shoot a video on this. तो इसीलिए thank you ma'am for coming to the channel and guiding all the TYBCOM students for the subject of export marketing. So thank you very much from this session. I wish you all the best for tomorrow's paper. And इसी तरीके से sessions को continue करेंगे with some experts. अगर पहली बार channel पे आए हो, अभी जुड़े हुए हो, तो subscribe and like का button दबाना ना भूले. Thank you very much. Bye bye. Take care.